हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो जो है वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। हम छोटे हैं तो हमको चाहिए आप सभी का प्यार और सपोर्ट, जिससे एक बहुत अच्छा टेक फैमिली हम बना सके और लोगों को ये समझा सके जो रियल एंड जेन्युइन टेक चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो मुझे रिसेंटली पता चली है और कुछ ऐसे अपडेट्स जिसके बारे में आपको अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, समय की बर्बादी को ना करते हुए सब्सक्राइब कीजिए टेच इशू को। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट बाली के बारे में। तो प्रोजेक्ट बाली एक्चुअल में है क्या? प्रोजेक्ट बाली माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है उनकी तरफ से आया हुआ एक रिसेंट अपडेट है जो अभी रोल आउट पे है और उम्मीद किया ऐसा जा रहा है 2019 की मई तक ये मार्केट में आ जाएगा, यानी कि इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो प्रोजेक्ट बाली का जितने भी मोटिव है वो क्या है, आए दिन हमको ऐसे सुनने के लिए मिल जाते हैं कि आपके कंप्यूटर से डेटा जो कि है चोरी हो गया, आपके स्मार्टफोन की डेटा जो कि है उसको किसी ने चुरा लिया, इसने वो बेच दिया, इसने ये बेच दिया। तो ये सभी चीज़ें जो कि है हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाते हैं कि हम सब इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं ओपन हैं, तो ऐसे में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा प्रोग्राम को डेवलप करने के बारे में सोचा जहां से आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सबको कोई देख ना सके, कोई चुरा ना सके। तो इसके लिए क्या चीज़ें कर सकती है, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें किया जा सकता है कि आपकी जो डेस्कटॉप है उसी को वो अपना जो कि है मतलब एक डेटा स्टोर बना ले। ऐसे में आपकी डेटा अगर किसी और के पास होगा ही नहीं तो वो इस चीज़ को चुराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, और उसमें कुछ छोटी मोटी और चेंजेस किया जा सके तो ऐसे में आपकी डेटा को चुरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर डेटा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सर्च हिस्ट्री या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो, उन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से चुराया जा सकता है, और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि यह काम करती है कि आपकी प्राइवेसी आप तक ही चुकी रहे। तो ऐसे में इस ये चीज़ काम कैसे करेगा? आप अगर कुछ समय से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने जॉर्ज स्ट्रीमलिन के बारे में बताया था, जिन्होंने पहली बार जो कि है इंटरनेट को जिसकी इन्वेंशन है इंटरनेट। तो ऐसे में उन्होंने कहा था 2020 तक वो एक ऐसा इंटरनेट बनाएगा जो पूरी तरीके से प्राइवेट होगा। तो लगता है उन्हीं की कुछ सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ काम दोनों को मिला के सिस्टम को बनाया जाएगा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनकी नई जो इंटरनेट सिस्टम आ रहा है उसी को ये काम में ले रहा है, लेकिन इसके काम करने की जो तरीके हैं मतलब डेस्कटॉप को ये अपना जो कि है एक डेटा बैंक बनाना वो कुछ इसी सिस्टम के तहत चलता है। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए आपकी जितने भी सोशल मीडिया की डेटा होगी वो अब से आपकी जो कंप्यूटर है उसके अंदर ही स्टोर रहेगी। तो ऐसे में अगर कोई चाहे कि उस चीज़ को ले लेना या फिर छुड़ा लेना तो ऐसे में वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, अगर आप ऑफलाइन रहते हो, आपकी डेस्कटॉप ऑफलाइन रहते हैं, तो ऐसे में आपकी डेटा जो कि है ऑनलाइन तक पहुंचेगी नहीं। तो आप जब ऑफलाइन हैं तो उस वक्त आपको अगर कोई सर्च करेगा तो ऑनलाइन पे उस वक्त आपकी कोई वजूद रहेगा नहीं। अब देखने की चीज़ ये है इस चीज़ पे माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करता है और इसके लिए कौन सी नई चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ZDNet करके कुछ जो सिस्टम है इसमें यूज़ किया जाएगा, और ZDNet के बारे में प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके ZDNet के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लूँ और आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा दूँ। तो ऐसा कुछ लग रहा है बहुत समय के बाद कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि है अब बहुत ज़्यादा हलचल में आ चुका है, और ऐसे में वो कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी यूज़र को वो एक्सपीरियंस दे सके जहाँ पे वो खुली छूट भी मिले और साथ ही साथ उनकी प्राइवेसी उन तक ही बना रहे, ना कि किसी और के हाथ की कठपुतली बन के बैठा रहना पड़े। माइक्रोसॉफ्ट जो कि है बहुत अच्छी अच्छी काम करता है। 2018 में जब रैनसमवेयर के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस वक्त उन्होंने एक नया फीचर रोल किया था जो था रैनसमवेयर डिटेक्टर, वो रैनसमवेयर को डिटेक्ट कर सकता है। इन सभी वायरसेस के बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली चैनल को चेक कर सकते हो। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट दो, और आप कितना प्यार करते हो तो जता ही रहे हो, और हो सके तो बताओ यार, मुझे अच्छे अच्छे सुझाव दो कि किस तरीके से वीडियो को बनाना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग क्या चीज़ देखना चाहते हो जब तक आप लोग बताते नहीं हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना यार। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।